हाय गाइस, आज आप लोग फिर से हेमचंद्र के साथ कुछ नई फिटनेस टिप्स के लिए। गाइस, अक्सर ही हम लोग अचंभित हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं ये देख करके कि कैसे इतने हैवी लिफ्टर्स इतनी पावर गेन कर लेते हैं और इतनी बल्की और बिग बॉडी अपनी बना लेते हैं। गाइस, एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा ही स्ट्रिक्ट रेजिमेन ऑफ डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद अपनी मसल्स गेन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेरॉइड्स के इल्लीगल यूज के साथ अपनी बिग मसल्स और बिग बॉडी बनाते हैं। स्टेरॉइड्स के इल्लीगल यूज, स्टेरॉइड्स। तो गाइस, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि स्टेरॉइड्स आखिर क्या बला है। ये स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के जैसे होते हैं। दीज आर सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। गाइस, ये जो है डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं कुछ केसेस में मेडिकल रीजन की वजह से, सर्टेन काइंड्स ऑफ एनीमिया से रिकवर करने में, या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए स्टेरॉइड्स को रिकमेंड करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को, कि जिसमें उसका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन उनका पर्याप्त रूप से जिनकी बॉडी में नहीं हो पा रहा होता है। और कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी वे लोग प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस के रूप में। मैं अभी ये एनाबॉलिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को आगे डिफाइन करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भली प्रकार से। तो गाइज, ये तो मेडिकल रीजन की वजह से डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को, लेकिन कभी भी कोई भी डॉक्टर किसी यंगस्टर को, किसी यंग को, किसी हेल्दी पर्सन को उसकी मसल बिल्ड करने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करता, कभी भी नहीं। गाइज, इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर इसका स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इलीगल है। गाइस, अक्सर ही आप लोग देखते रहते होंगे कि आजकल न्यूज की या स्पोर्ट्स की हेडलाइन होती है कि कैसे लोग अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये एक प्रकार के हॉर्मोन्स हैं जो कि ओरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए। तो जो एनाबॉलिक शब्द है वो इस ओर संकेत करता है कि मसल बिल्डिंग कैपेसिटी। गाइज, हमारी सोसाइटी में और यंगस्टर्स में ये बहुत ही आम बात हो गई है, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल बिल्डिंग करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि 10th-12th की एज से ही बच्चे जो है स्टेरॉइड्स का प्रयोग करना शुरू कर दे रहे हैं। गाइज, इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स होते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, नंबर एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरा एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो हम पहले की बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। गाइस, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये हमारे शरीर में किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन के रूप में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, उसमें इस्तेमाल होते हैं कुछ ऐसी डिजीजेस जिनमें कि इलनेस इन्फ्लेमेशन के कारण, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन और जलन, इसके कारण जो इलनेस होती है कुछ डिजीजेज में, उनको कंट्रोल करने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज होता है। ये ओरली भी लिए जा सकते हैं और इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू भी लिए जाते हैं। ये जिन डिजीजेज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं दूंगा कि अस्थमा,
रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज और भी कई सारी डिजीजेज। इसके अतिरिक्त ये स्किन की, जैसे स्किन की कुछ डिजीज या प्रॉब्लम है डर्मेटाइटिस, उसमें भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के यूज में के रूप में यूज किया जाता है ऑइंटमेंट और क्रीम के तरीके से। इसके बाद जो दूसरे नंबर का स्टेरॉइड आता है गाइस वो एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक। तो ये जो एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करते हैं। गाइस जो मेल हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन टेस्टीज या टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है और जबकि जो फीमेल है उनमें ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। तो जो एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड है ये रिलेटेड है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से, जबकि जो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड है ये रिलेटेड है मसल मास को बढ़ाने से। ये किस तरीके से करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में, इसी का एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल बेसिकली फिटनेस के और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस बॉडी बिल्डिंग के सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें बॉडी, इसको जब यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे कि उसकी मसल मास बढ़ जाता है। तो गाइस ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस प्रकार से यूज किए जा रहे हैं। मार्केट में ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से उपलब्ध होते हैं, बाजार में इनके डिफरेंट ट्रेड नेम्स हैं, केमिकल नेम के अलावा ट्रेड नेम्स, स्ट्रीट नेम्स भी कई सारे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि स्टेनोजॉल है, ये केमिकल नेम है इसका। हम ट्रेड नेम की बात करते हैं तो विस्ट्रॉल, और स्ट्रीट नेम की बात करते हैं तो विनी। इसी प्रकार से सभी के साथ है गाइस। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनके बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं जो अलग अलग नामों से उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर कुछ नाम बताऊंगा, जैसे एनाबॉल, डायनाबॉल, डेकाड्यूराबोलिन, विस्ट्रॉल इत्यादि। गाइस कुछ ऐसे भी स्टेरॉइड्स हैं जिन्हें डिजाइनर स्टेरॉइड्स कहा जाता है, जो इस प्रकार से फॉर्मुलेट किए गए हैं, सिंथेसाइज किए गए हैं कि वे डोप टेस्ट के दौरान कम से कम डिटेक्ट हो सके, जल्दी डिटेक्ट ना हो पाए या डिटेक्शन से दूर रह जाए। और कुछ ऐसे भी स्टेरॉइड्स हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन जैसा होता है, जैसे हम बात करते हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की। गाइस जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही बार में, अक्सर ऐसा होता है एक ही बार में दो या दो से अधिक टाइप के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कि वो फास्टर और बिगर रिजल्ट्स पा सकें, और इनको साइकिल्स में यूज करते हैं जिससे कि डिटेक्शन से बच जाएं। ये जो है डोप टेस्ट के डिटेक्शन में ना आए इसलिए साइकिल, कैसे साइकिल की कुछ दिन या कुछ वीक्स की साइकिल ली, फिर उसके बाद कुछ दिन और कुछ वीक्स का गैप कर दिया, उसके बाद फिर से कुछ वीक्स या कुछ दिन की साइकिल फिर से स्टार्ट कर दी। और इसको लेते समय डोज की प्रेमिडिंग भी की जाती है, जैसे कि मान लिया सपोज कि 6 से 12 वीक के लिए हमने कोई स्टेरॉइड का साइकिल चलाना है तो उसमें शुरुआत में लो डोज लेकर के उसको धीरे 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 हाई डोज पर जाते हैं, फिर साइकिल के सेकेंड हाफ में उस डोज को धीरे 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 कम करते जाते हैं। तो गाइज इस प्रकार से ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है इसका धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और जो डॉक्टर्स हैं वो तो मेडिकल रीजन के लिए इसको लोअर डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इसका इल्लीगल यूज हो रहा है वे लोग जान लें, इसके बहुत ही खतरनाक भयंकर दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, जिसके चलते उनके कई सारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं और भी कई सारी परेशानी उनको हो सकती है, इवन उनकी डेथ तक हो सकती है। लेकिन गाइस मैं अपने आने वाले दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या दुष्परिणाम है जिससे कि आप इससे दूर रह सकें, उनको जान करके से बच सकें और एक हेल्दी और फिट फिजिक बना सकें। गाइस मुझे लगता है आज स्टेरॉइड्स के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों को कमेंट करें, मेरे फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे अपने मोबाइल पर या फिर अपने ईमेल पर आपको मिल सके। बाय बाय गाइस, विश यू ऑल फिटनेस।